हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए सॉरी चाहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जिन छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, अब उनकी स्कॉलरशिप जल्द ही आ जाएगी, जिसमें एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। धरना प्रदर्शन के माध्यम से लड़के कुछ किए थे। यहाँ पर लिखा है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्राओं ने कुलपति कार्यालय के बाहर किया हंगामा। जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्राओं ने कुलपति कार्यालय के बाहर बुधवार की सुबह से दोपहर तक हंगामा किया। वहीं मामले के जानकारी होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने बुझाने का प्रयास भी किया। एक पिक्चर है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बाहर, जो छात्र हंगामा कर रही थी स्कॉलरशिप को लेकर, ये उसका आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं। जौनपुर जागरण संवाददाता वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर परिसर के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं ने बुधवार को स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज होकर कुलपति कार्यालय के सामने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। वित्त अधिकारियों समेत कई जिम्मेदारों छात्राओं को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन छात्र कुलपति को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करने के साथ अपनी मांगों के समर्थन की आवाज़ बुलंद किया। इस मामले की जानकारी होने के बाद आनन-फानन प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, तो छात्र बिना किसी ठोस आश्वासन के धरना खत्म करने को राजी नहीं हुए। बुधवार को करीब 11 बजे सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज होकर कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्या के कार्यालय पहुंचकर हंगामा शुरू कर दी। छात्रों का आरोप है कि अन्य विश्वविद्यालय में 95% फीसदी की स्कॉलरशिप आ चुकी है, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विभागीय लापरवाही के चलते 20% छात्रों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। अन्य छात्राओं की स्कॉलरशिप जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के चलते गड़बड़ दिख रहे हैं, जिस वजह से उनकी स्कॉलरशिप फंसने की पूरी संभावना है, छात्राओं को समझाने का संजय राय अधिष्ठा छात्र कल्याण प्रोफेसर राजीव प्रोफेसर अजय द्विवेदी ये लोग हैं। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। दोपहर बाद धरना प्रदर्शन जारी करने की वजह से प्रशासनिक अधिकारी भी छात्रों का आश्वासन देते नज़र आए। वहीं छात्र इस मामले को लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा न्यूज़ था, सोचो आप लोगों को पहुंचा दूं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।